वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दो रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना हो गए, जहां उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ताजिरों और तुर्क सरमायाकारों से मुलाकात होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने मुलाकात की। लाहौर की कोट लखपत जेल में आज मुलाकात का दिन है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए लीगी रहनुमा कोट लखपत जेल पहुँचे। साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि नवाज शरीफ इत्मीनान और हौसले से जेल में वक्त गुजार रहे हैं, पार्टी में क़यादत का कोई खला नहीं है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बढ़ती आबादी डैम से भी बड़ा मसला है, सिर्फ इश्तहारात से कुछ नहीं होगा, हुकूमत एक्शन प्लान दे, मामले को खत्म नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 14 जनवरी तक आबादी कंट्रोल करने का एक्शन प्लान तैयार करने की मोहलत दे दी। और कौमी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के इंतखाबात के लिए इब्तदाई मुशावरत शुरू कर दी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 19 जनवरी से होगा।